हमको तो नोट है, आप सब नोट करना, वो टिकट जो है वो वाया दिल्ली करना। अभी भी दादी को हमने कहा था, जानकी दादी को, तो ये मीटिंग आप वहां करो, लेकिन दादी ने कहा टिकट फिक्स हो गई। विशेष इसलिए कि आजकल बाबा हम बच्चों से क्या चाहते। सभी को बाबा से प्यार है, और जो बाबा चाहता है वो ही हम करने चाहते, लेकिन आज हम सब मिलके ऐसा प्लान बनाए जो बाबा को हम सब से दिखाई दे। प्रॉमिस तो हमने बहुत किए हैं, बाबा ने भी कहा था कि हर एक के प्रॉमिस के फाइल मेरे पास है। जब जब आप हम सब ने प्रॉमिस किए हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे फाइल में तो वो नोट है। तो प्रॉमिस करने में तो बहुत सहज है, हाथ उठाना भी बहुत सहज है, लेकिन बाबा चाहता है कि हमारे में से एक एक के फेस से जो बाबा चाहता है वो दिखाई दे। तो बाबा क्या चाहता है हम लोगों से, आप सबको मालूम तो है हाँ? बाबा क्या चाहता है, इस पर थोड़ा बोलो आप, क्या चाहता है ज्योति बहन, बाबा क्या चाहता है? जो बाबा कहते हैं फेस से दिखाई देवे, वैसे कहने में तो ठीक है, रूहानी मुस्कुराहट। आप बोलो मीरा, ये मीरा है ना, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस। भाई बोलो, आप बोलो, स्पिरिचुअल मुस्कुराहट। और भी कुछ बाबा चाहता है? नजर से ध्यान, फॉलो ब्रह्मा, सेवा करना, सेविंग, बचत का खाता बढ़े। तो आप सब ने अकाउंट रखना अपना शुरू किया है बचत के खाते के लिए? बाबा को लास्ट टर्न में पूछना है, सबको अकाउंटेंट बाबा ने बना दिया। वैसे अकाउंट नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये तो रख सकते हैं। तो सभी ने अपना अकाउंट रखा है बाबा को बताने के लिए। मतलब बाबा ये चाहता है कि अभी हमारे बच्चे, क्योंकि ये जो भी ग्रुप बैठा है ना, वो तो इंचार्ज निमित्त बने हुए बाबा की तरफ से सेंटर के संभालने वाले ग्रुप बैठे। तो अभी आप की स्टेज जो है वो जिज्ञासों से तो ऊपर हो गई ना, मतलब स्टेज तो आपकी ऊंची हो गई ना, समनिमित बाबा ने बनाया आपको, बनाया तो बाबा ने ही है, लेकिन अभी निमित बने हुए हो तो माना रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस सेंटर के जितने भी भाई बहने आते हैं वो साकार में किसको देखते हैं? साकार में तो हम लोग जो निमित बने हुए हैं उनको ही देखते हैं। बाबा की दिनचर्या सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं ब्रह्मा बाबा की, या मधुबन में आते हैं तो दादियों को देखते हैं, वो तो थोड़ा टाइम होता है ना,
लेकिन पहले एक साल के पहले तो आते भी नहीं है, तो एक साल उसको प्रैक्टिकल ज्ञान के स्वरूप में तो हम लोग जो निमित्त बने हुए हैं वो ही होते, उनको ही वो देखते हैं कि भाई ऐसा हमको बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो निमित्त बने हुए हैं उनों के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो खुद निर्विघ्न रहे। कोई भी विघ्न आएंगे जरूर, हम कहें विघ्न खत्म हो जाए आना, वो नहीं होना है। ये तो पक्का है कि अंत तक माया आनी है, स्वरूप रूप माया को बदलना है बस। पहले जो माया आती थी और अभी जो माया आएंगी उसमें और ही महीन रूप से आएंगी, गुप्त रूप से आएंगी, रॉयल रूप से आएंगी, जिसको हम समझेंगे ये रंग है ही नहीं, ये तो राइट है लेकिन होगा अंदर रंग। तो अभी माया तो आनी है लास्ट तक, क्योंकि देखो कोई भी मल्ल युद्ध भी होती है तो एक दो को छोड़ते है क्या लास्ट तक? जब तक एक विजयी नहीं हुआ है तब तक वो एक दो को छोड़ते नहीं है। तो माया ने 63 जन्म हमारे ऊपर राज किया है, कम थोड़ी किया है टाइम, वो ऐसे ही कैसे छोड़ देंगी? लास्ट तक अपनी आजमाइश तो करेंगी, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से करेंगी। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, पहले माया आपके पास जैसे ज्ञान में आए तो पहले छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन अभी ज्ञान में आगे बढ़ने के बाद फिर ज्ञान से कनेक्शन वाली माया आएंगी। समझो हम सेंटर संभालते हैं, सेंटर में बहुत टीचर्स है, 7-8 है या 3-4 है, उसमें आपस में भी आ सकता है। तो इसको ज्यादा जिज्ञासु पूछते हैं या दादियां पूछती है या बड़े पूछते हैं, हमको सेकंड नंबर रखते हैं, फर्स्ट नंबर इसको रखते हैं। या हम भी कोई कम नहीं है कोर्स कराने में या कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने में, लेक्चर करने में, लेकिन मेरे को अवॉइड क्यों किया जाता है? मेरे को चांस कम क्यों दिया जाता है? या मेरे में क्या है जो मैं बाबा के, जो मैं बैठती हूँ बाबा से रोडयान करती हूँ लेकिन बाबा का रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता, इसका कारण क्या? कारण को खोज के, या खुद नहीं समझ सकते हैं तो दूसरी दादी बड़ी जो भी दादियां हैं उनसे मदद ले सकते हैं, भाई खुद नहीं समझे कारण को। लेकिन कारण सुनते या समझते फिर उसको निवारण करने की हिम्मत चाहिए। तो उसका कारण ब्राह्मणों के जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना महीन और रॉयल रूप से हमारे सामने माया आएंगी। लेकिन माया का काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि माया अभी तक भी माया आती रहती, बाबा ने सुना दिया है कि आना ही है। तो जब हमको पता पड़ गया है कि माया तो आनी है तो हमको अपना फर्ज पालन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो अपना काम नहीं छोड़ती, भाई देख रही है इनों की पावर तो बढ़ती जा रही है और ये पावर कोई कम नहीं है। माया को भी अनुभव तो होता रहता है लेकिन फिर भी छोड़ती नहीं है, वो अपना काम नहीं छोड़ती है। और हम उसको न पहचान करके अपना काम छोड़ देते हैं, यानी विजय प्राप्त करना, उनसे किनारा करना, वो हमको थोड़ा मिस हो जाता है।
समझो आजकल मेजोरिटी जो समाचार सुनते हैं या देखते हैं तो ज्यादा करके वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते, कोई मतलब नहीं होता, बुरे संकल्प कम हो गए हैं, बुरे संकल्प इतने नहीं आएंगे, थोड़ा किसके प्रति नेगेटिव कभी कभी और ज्यादा वेस्ट, जिसका मतलब नहीं है। एक घंटे में अगर आप चेक करो अपने आप को तो एक घंटे में कितने हमारे वेस्ट गए, खराब नहीं लेकिन वेस्ट, जो जरूरी नहीं है। समझो बोल में, सोचने में, बोल में भी हमारे कई बोल ऐसे फालतू होते हैं जो 10 मिनट के बजाय हम 2 मिनट में भी काम कर सकते हैं। किसकी नेचर होती है, कोई भी छोटी बात होगी ना उसको विस्तार से वर्णन करेंगे, और कोई की होगी बड़ी बात भी 5 मिनट में पूरी कर देंगे, ऐसा नहीं उसकी अधूरी करते हैं, रहस्य भी आ जावे और थोड़े टाइम में भी आ जाए। तो बाबा जैसे कहते खजाने को जमा करो तो बचाएंगे तभी तो जमा होगा, बचाएंगे नहीं तो जमा कैसे होगा। तो ये वेस्ट थॉट्स क्यों चलते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हम मन और बुद्धि को अपना टाइम टेबल बना के नहीं देते। सेवा का टाइम टेबल बना देंगे सुबह से, या जो भी कोई काम होगा, जॉब का काम है तो जॉब में ये करना है वो करना है, वो भी टाइम टेबल बन जाएगा। लेकिन मन और बुद्धि को हर टाइम मुझे बिजी रखना है, उसका टाइम टेबल जो है वो कम बनाते। अगर मन बुद्धि को आपने बिजी रखा ना तो कभी भी माया नहीं आ सकती। जैसे बाबा ने एक बार मिसाल दिया था कि आजकल ऑफिसर लोग बड़ी चतुराई करते हैं, अगर मानो उसको काम है बहुत और अंदर बैठा भी है तो बाहर बोर्ड लगा देते आउट, क्यों आउट का बोर्ड देख करके तो वापस चले जाएंगे। तो बाबा ऐसे कहता है कि अगर आपका मन और बुद्धि बिजी है तो आप आउट हो, बॉडी कॉन्शियस से तो आउट है ना। तो मन बुद्धि अगर बिजी होंगे तो माया आएंगी कैसे, और माया आए फिर उसको भगाओ तो भगाने में भी टाइम तो जाएगा ना, एनर्जी जाएंगी, टाइम जाएगा। हमारी जो निरंतर स्टेज पावरफुल होनी चाहिए उसमें फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान हो गया हमारा। समझो हमारे 2 मिनट गए, हम कहेंगे हाँ आया लेकिन मैंने चला लिया, चला तो लिया लेकिन 2 मिनट हमारे संगम युग के 2 मिनट मिनट नहीं। आप हिसाब करो संगम युग, चलो बाबा ने फाइनल नहीं सुनाया है लेकिन हम समझो 100 वर्ष सोच लेते हैं, अभी तो 66 हुआ है लेकिन 100 वर्ष का अंदाज रख देते हैं, बाबा ने फाइनल नहीं किया है। लेकिन 100 वर्ष में 5000 वर्ष का टोटल हमको तकदीर यानी प्रलब्ध बनानी है। तो आप हिसाब करो भाई 5000 वर्ष और 100 वर्ष तो कितना महत्व हुआ, हिसाब में आप होशियार हो ना। तो हमारा संगम का एक एक मिनट मिनट नहीं है, वर्ष के समान है। समझो हम लोग कॉमन रीति से कहते हैं ये तो होता ही है ना, अच्छा ये हो गया कोई बात नहीं ठीक है,
लेकिन ठीक नहीं है। एक एक मिनट के 5000 वर्ष के हिसाब से अगर हम महत्व रखे तो हम एक मिनट भी अपना व्यर्थ फल वो बुरा तो छोड़ो लेकिन व्यर्थ भी नहीं गमा सकते। जैसे बाबा हम लोगों को छोटेपन में कहता था बॉर्डर पर मिलिट्री होती है कितनी अलर्ट रहती है जब बॉर्डर पर होती है। जरा भी कोई समय भी बंदूक का आवाज आए रात्रि को सोते हैं तो बाबा ने हमको एक बारी दिखाया था तो एक दो को रस्सी बांध के सोते हैं एक हिलेगा सब हिलेंगे यानी इतना अटेंशन रखते हैं। तो हम लोगों को कितना अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए जो हम अलबेले हो जाते हैं। ठीक है अच्छा आज नहीं किया ना कल कर लेंगे आज थोड़ा फिर बहाने बंद करके बुखार भी आ जाएगा माथे का दर्द भी आ जाएगा। ये माया का दर्द होता है रियल नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा जिज्ञासु दो दिन तो बुखार होता है रियल कभी किसको रियल भी होता है लेकिन तीसरे दिन आलस आता है उसमें थोड़ा क्या होगा बदन थोड़ा ऐसे होगा बदन थोड़ा टूटता है जैसे तो कहेंगे अभी भी थोड़ा है लेकिन वो दिन ऐसा होता है जो चाहे तो पहुंच सकते कि माया थोड़ा तीसरे दिन समझो आलस ऐड कर देती। तो आलस हुआ तो सही ऐड लेकिन हमने संगम युग का समझो अमृत वेला गमाया या क्लास गमाया या सेवा थोड़ी किनारे की कितना टाइम वेस्ट हुआ हमारा गया जमा तो नहीं हुआ ना। तो 5000 वर्ष के प्रारब्ध में हमारे को असर पड़ना है ये सामने हमेशा रखना चाहिए। और मम्मा हम लोगों को हमेशा कहती थी हर घड़ी अपनी लास्ट घड़ी समझो अंतम घड़ी समझो यानी हो सकता है हमने पहले भी सुनाया था आप लोगों ने सुना था सुना होगा दो बहनें थी तो वो आपस में समझो जैसे किसके संस्कार मिलते हैं ना तो फ्रेंड्स बन जाते हैं आपस में बातचीत करने में हल्के कोई और बुरा नहीं है लगाव नहीं जैसे एक बॉडी कॉन्शियस का लगाव लगाव भी नहीं होता है लेकिन संस्कार थोड़े एक दो में मिलते हैं ना तो वो बातचीत जो भी कोई दिल में बात आएंगी वो बताने में हल्के होते हैं। तो ऐसे दो बहनें थी मम्मा सीआईडी कराती थी हम लोगों की तो ये कौन सी बहनें ऐसी है जो आपस में ही बात करके रहती है आपस में ही बातें करती है ये मम्मा चेक करती थी। तो दो बहनें थी उन्हों का बाबा मम्मा ने देखा तो ये बहुत करके आपस में ही बातें करती है दूसरे से नहीं करती है ज्यादा। मम्मा ने उन दोनों को बुलाया तो मम्मा सीधा कभी भी नहीं कहती थी कि ये तुम्हारी गलती है इसलिए बुलाया है। मम्मा ऐसा रूप रखती थी जैसे बहुत उसको प्यार करती थी तुम बहुत अच्छी हो तुम होशियार हो मम्मा की आप में उम्मीदें हैं ऐसे चढ़ा देती थी जो उसको समझ में ही नहीं आवे तो मम्मा को कोई मेरी बात है। फिर मम्मा उसको प्यार से आप लोग ठीक हो आप समझती हो मेरा पुरुषार्थ अच्छा है हाँ आगे बढ़ रही हो तो हाँ मम्मा हम तो पुरुषार्थ करते हैं। तो मम्मा फिर पूछती थी तो मानो तुम्हारे मन में कोई बात आए तो आप लोगों को अनुभव होगा अगर कोई ऐसी बात मन में आ जाती है ना तो सोचता है मनुष्य कहाँ निकालो निकालने के बिना ऐसी कोई बात है तो निकालने के बिना उसको चैन नहीं आता यानी योग भी नहीं लगेगा
और सोएंगी या बैठेंगी तो बैठने में भी समझेंगी जाऊं कहां सुनाऊं, कोई स्थान मिले तो सुनाऊं। तो मम्मा ने उससे पूछा, तो ऐसे मानो तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात आ गई तो तुम सोचती हो मैं किसको सुनाऊं। कहा मम्मा हम आपस में होते हैं ना, खुल गई वो। कहती है मम्मा हम आपस में है ना, तो हमको कोई भी बात होती है तो इससे बोल देते हैं। अच्छा, तो मम्मा ने कहा ऐसा कोई मिसाल है तुमको। कहती है हाँ मम्मा, मेरे को परसों कुछ हुआ था आपस में, संस्कार संगठन में तो होता ही है, तो मैंने ये भंडारे में, उसकी ड्यूटी थी दूसरी बहन की, तो भंडारे में एक घंटा तो लगेगा ना, इतनों का खाना बनेगा, उसकी ड्यूटी थी। तो कहा मैंने बार बार चक्कर लगाया, ये फ्री होवे तो मैं ऐसे बात करूं, लेकिन ये निकली नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। तो मामा ने कहा समझो अभी एक घंटा लगा, समझो आपको दो चार बारी चक्कर लगाया, और उसी एक घंटे में या उसी घड़ी आपका अंतम काल हो जावे तो आपका अंत मत सो गति क्या होंगी। कहा मम्मा वो तो मनुष्य याद आया, आत्मा याद आई, परमात्मा तो याद आया ही नहीं। तो मम्मा ने कहा ये रॉन्ग है या राइट है। कहा मम्मा रॉन्ग है। तो कहा आगे से कभी नहीं करना, कोई भी बात आवे ना तो आप बाबा को सुनाना, साकार में था बाबा। तो मम्मा बाबा को वैसे थोड़ी जाके सुनाएंगे, लेकिन अपने मेडिटेशन में बाबा से रूहरयान तो करते थे, बाबा साकार में था, लेकिन रोज थोड़ी बाबा हमारे साथ रहता था, या मम्मा भी हमारे साथ रहती थी तो एक एक बात थोड़ी मम्मा को जाके सुनाएंगे। तो मम्मा ने उसको कहा तो तुम क्या करना, बाबा को सुनाना, रूहरयान करती हो ना बाबा से, ऐसा नहीं हो अंत मते सुगति ऐसी हो जाए। तो देखो मम्मा ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी उसको, ऐसे आराम से जो उसने खुद ही महसूस किया, तो मेरा टाइम जो है ये कभी भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे समझो हमारे मन में कोई भी बात होगी, बातें तो होंगी और बात हमारे अंदर चल रही है, और सचमुच हमारा कोई एडवांस पार्टी में पार्ट हो गया तो क्या होगा, हिसाब तो रह गया ना। इसीलिए हमको संगम युग के समय का महत्व बहुत रखना चाहिए। अगर समय का महत्व होगा तो स्वयं का भी महत्व, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वमान में रहो। आप देखेंगे बाबा के मूल्यों में स्वमान की बार बार हम इशारा आता है, स्वमान में रहो, स्वमान में रहो। एक स्वमान और दूसरा स्वपरिवर्तन, ये दो शब्द बाबा के बार बार हमारे लिए आते। तो स्वमान में रहने से, स्वयं के स्वमान में रहने से, आखिर भी मैं हूं कौन, कौन सी आत्मा हूं, आत्मा तो हूं बिंदु, लेकिन बिंदु सिर्फ बिंदु ही बिंदु सामने रखने से कभी बोर भी हो जाते हैं, एक ही जैसे बिंदु ज्योति बिंदु बस। लेकिन बाबा ने हमारे को कितने टाइटल दिए हैं, कौन सी आत्मा हो आप, रोज बोली में नया नया टाइटल आता है। आज बाबा ने क्या कहा, व्यास हो, आज बाबा ने टाइटल दिया ना, तो तुम सुखदेव के बच्चे व्यास हो, यानी वो ज्ञान देने वाले। तो बाबा बोली में कोई ना कोई टाइटल नया देता है। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन आत्मा भी कौन सी आत्मा हूं, भिन्न भिन्न टाइटल जो बाबा के आते हैं, वो अगर रोज हम भिन्न भिन्न वैरायटी टाइटल अपने को याद रखें
तो स्वमान के नशे में ऑटोमेटिकली रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। बार बार मन और बुद्धि को अपने उस स्वमान को जो स्मृति में रखा अमृत वेले, उसको स्मृति में बार बार चेक करो। मेरे मन में इस समय समझो काम काज कर रहे हैं, चाहे सेंटर का चाहे जाप का, लेकिन जाप में काम करते हुए भी क्या मैं ये नशा नहीं रख सकती हूं कि मैं बाबा की नूरे रतन हूं? ये नहीं सोच सकती हूं, कितना भी काम है जाप में, क्या ये नहीं सोच सकते हैं? हाँ ब्रदर्स, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। बस यही तो याद है ना, और क्या, स्वमान है ना। ये नहीं बस काम में लग जाते हैं ना, समझो काम कर रहे हैं, कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, या सोल भी कौन सी, स्वमान, वो थोड़ा मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। इमर्ज रूप में काम काज जो भी होता है, फाइल होता है या जो भी करते हैं, वो ही होता है। इसीलिए हमने कहा मन और बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। चलो मैं दफ्तर में 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना भी काम किया जॉब में या सेंटर में, सेंटर में भी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, डिपार्टमेंट होती है, भाई किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या ड्यूटी है, और ड्यूटी टाइम टू टाइम बदलती भी है, कभी क्या करते हैं सेंटर में, कभी क्या करते। लेकिन काम पर बदले, हमारा जो स्वमान है, जो मैंने लक्ष्य बनाया स्वमान का, वो नहीं भूलना चाहिए। अगर स्वमान होगा तो देहमान आ ही नहीं सकता, आएगा? आप सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, समझो मुझे स्वमान है, बस मैं ना बाबा के नैनों में समाया हुआ, मैं भी एक हीरा आत्मा, हीरा हूं, हीरो हूं, या बाबा के आंखों में समाया हुआ बहुत प्यारा ज्वेल हूं, कुछ भी रखो तो क्या माया आएंगी हमारे पास? आउट, हम आए आउट, बाबा के नैनों में समाये हुए, उसमें बिजी हूं तो वो माया कहाँ आएंगी? वो तो चली जाएंगी, ये बहुत बिजी है, फिर जब फ्री होंगी तब आएंगी। तो कोई ना कोई मन और बुद्धि को बिजी रखने का साधन जरूर चाहिए, चेकिंग चाहिए, क्योंकि 63 जन्म कम थोड़ी है। 63 जन्म विस्मृति के संस्कार बिल्कुल पक्के हो गए, कम टाइम नहीं है ना, ज्यादा टाइम है 63 जन्म। और ये क्या 100 वर्ष भी समझ लो तो भी 100 वर्ष क्या है? आप लोग तो फिर भी लेट आए हो, 25 वर्ष तो शायद वो पूरे भी हो गए थे। तो थोड़े टाइम में कितना काम करना है, तो एक तो स्वमान रखो, और स्वमान रख के समय को भी याद रखो। ऐसे नहीं समझो ये तो होता ही है, ये चलता ही है, हो जाएगा। और दूसरे हम लोगों को ज्यादा माया आती है, जो जितना आगे बढ़ते हैं ना, तो माया आती है एक दो, माया आती है एक दो को देखने की। ये भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ये भी तो होता ही है ना, फलाने सेंटर में भी ऐसे होता ही है, या फलाना समाचार सुना, भाई ये तो होता ही है। तो हमारे में समझो वो अलबेलापन आ जाता है। भले समझो कोई पुरुषार्थ में ढीला है, हम कहेंगे ये भी पहुंचेगा, मैं भी पहुंच जाऊंगी, लेकिन नहीं, मुझे बाबा के समान बनना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है, फॉलो सिस्टर बाबा ने कहा ही नहीं,
समझो हमारे से बड़ी स्टेज वाली बहन है और वो कुछ करती है। मानो माया तो किसी को भी आ सकती है, क्योंकि बाबा ने अनाउंस नहीं किया है कि ये माया जी तो हो गई है, किसके लिए भी नहीं किया है। अभी तो बाबा कहता है वो चेयर्स गेम चल रही है, कोई भी सीट पर बैठी नहीं है, अभी सीट ही नहीं बजी है बैठने की, कोई भी बैठ सकता है, लास्ट सो फास्ट हो सकता है, फास्ट सो फर्स्ट हो सकता है, इतनी मार्जिन है हम लोगों को। इसीलिए दूसरे को नहीं देखना चाहिए, स्व परिवर्तन होना चाहिए, यानी स्व को देखे, मैं और मेरा बाबा। निराकारी स्टेज को कॉपी करनी है, फॉलो करना है तो शिव बाबा, और कर्म में फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा। दोनों ही बाबा हमारी दोनों स्टेज के लिए, निराकारी वो साकार में फरिश्ता। अभी तो भले ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप हो गया, लेकिन साकार में कर्म करके तो दिखाया ना, हमारे जैसा ही था ना पांच तत्वों के शरीर में। तो कर्म करने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो, और निराकारी स्टेज में शिव बाबा है ही निराकार। बस ये सामने रहे ना, तो फिर हम स्व को ही देखेंगे। कहीं समझते हैं ये सिर्फ मेरे सेंटर में ये बदल जाए ना, ये बात ठीक हो जाए ना, तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो सकता है। बात ठीक होनी नहीं है भाई, क्योंकि पेपर होना ही है, पेपर के बिना कभी कोई पास हुआ है क्या? तो हमको 21 जन्म की राजाई मिलनी है, 21 जन्म तो हमको राजभाग मिलना है, और आधा कलो फिर हम पूज्य बनने वाले हैं, वो भी इसके आधार से, संगम युग के आधार से। क्योंकि पूज्य में भी आप मंदिरों में देखेंगे ना, किस देवता की पूजा तो हर कर्म की होती है। हम एक मंदिर में गए ऐसे ही, कहा कोई काम से जा रहे थे, रास्ते में आया तो कहा अभी वो जो मूर्ति है, कोई वो मॉडल बना हुआ भी नहीं था, मूर्ति रखी है फ्रेम वाली, कहते अभी श्री कृष्ण जो है ना वो माँ के साथ खेल कर रहा है। अरे मूर्ति कैसे खेल करेंगे, इसलिए ये पर्दा बंद है, जब उसका खेल पूरा होगा ना तभी पर्दा खुलेगा। अभी देखो हर कर्म का यादगार, इसका मतलब ये है, तो कर्म योगी बन करके उसने कर्म किया, इसीलिए उसके कर्म हर कर्म का यादगार है। दांतन का भी, वो बड़े बड़े जो मंदिर है ना उसमें दांतन की भी सीन दिखाती है, दांतन कर रहा है कृष्ण, दांतन कर रहा है, यानी एक एक कर्म की यादगार होती है। इसका मतलब ये है कि बाबा जो कहते हैं ना हर कर्म में कर्म योगी बनो, बाबा कहता तो है ना कर्म योगी बनो, कुछ भी करो तो हमारी यादगार ऐसे भी बनी हुई है। और कोई कोई ऐसी यादगार है जिसकी पंडित जो है वो सप्ताह में एक बारी सफाई करता है, हमने देखा है वो भी मंदिर। तो आधा कलप तो हमको इस संगम युग के हिसाब से राजभाग मिलेगा 21 जन्म, और बाकी जो पीछे है द्वापर कलयुग में फिर हमारे पूज्य बनेंगे। इसलिए बाबा ने ना एक मुरली में कहा था, तो बच्चे तुम मेरे से भी आगे हो, अभी मुरली चली थी, मेरे से भी ऊंचे हो,
इस लास्ट मुरली में तो बाबा ने कहा मैं भगवान तुमको नमस्ते करता है इसलिए तुम ऊंचे हो। लेकिन एक बारी बाबा ने कहा था, हमेश कहता है तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल पूजा होती है। शिव बाबा की तो सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है, हमारी देवता रूप में भी होती है, शालिग्राम रूप में भी होती है, डबल पूजा हो गई ना। यानी इतना बाबा हम लोगों को ऊंचा करता है, तो हमको अपने स्वमान में कितना रहना चाहिए। यानी भगवान हमको कहते हैं मेरे से भी आगे, कितना रुहाव, कितना नशा। और जितना ये नशा, रूहानी नशा, देहभान का नशा नहीं, रूहानी नशा जितना होगा ना उतनी हमारे चेहरे पर खुशी होगी, रूहानियत भी होगी, मुस्कुराहट होगी, लेकिन रवाजी मुस्कुराहट नहीं, लेकिन रूहानी मुस्कुराहट। जो मुस्कुराहट हमारी देख करके उनको प्रेरणा मिले, तो जैसे रूहानियत में ये स्थित। तो स्वमान और स्वपरिवर्तन, ये दोनों हमारे लाइफ में बहुत बहुत जरूरी। और दूसरे को हम नहीं देखें। कई बार ऐसे होते हैं, ये थोड़ी ठीक हो जाए ना, मैं तो बाबा को यही प्रेयर करती हूँ, रोहड़ान करती हूँ, ये थोड़ा बदल जाए तो मैं ठीक हो जाएगी, ये बात थोड़ी ठीक हो जाए ना तो मैं बदल जाऊंगी। लेकिन मैं बदलूं ये थोड़ा कम होगा और दूसरे के बदलने का ज्यादा है। जो पुरुषार्थ होना चाहिए, यानी लक्ष्य, पुरुषार्थ का जो लक्ष्य होना चाहिए वो ज्यादा है स्वपरिवर्तन का। और ये नहीं समझना चाहिए कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं। आजकल कोई को भी आप देखेंगे जमाना बदल गया है। अगर आप किसी को भी शिक्षा दे के बदलने चाहते हो, शिक्षा सुनने कोई नहीं चाहता। क्यों? कारण ये है कि हर एक अपने को कम नहीं समझते। क्यों? बाबा बहुत ऊंचा चढ़ाता है ना, तो इसीलिए हर एक समझता है हम भी बाबा के हेयर पेरेंट्स है, हम क्या कम है। नेचुरल है, ये होता ही है, जमाना ऐसा है अभी। तो शिक्षा से तो कोई नहीं बदलना है। और जिस समय कोई कोई बात समझो करता है, उस समय हम उसको समझाने की कोशिश करें। कई बार ऐसे होता है, समझो कोई ने कोई बात की तो हमको रांग लगी, कोई साथी ने की रांग लगी ना, तो उसी समय उसको टोक देंगे, क्या समझती हो, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय अगर हम मानो किसको ये कहते भी है, शिक्षा भाव हमारा से क्या देने का है भाई, ये अपनी गलती मान के ठीक करे, लेकिन उस समय वो उस संस्कार के वश होती है। और जिस समय वो संस्कार के वश है, उस समय वो अपने को रांग कभी नहीं समझेंगी। ठीक करना है हमको उसको, ऐसे नहीं छोड़ देना है, ये भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। लेकिन थोड़ा उस समय देने से वो जिद में आ जाते हैं, डिस्कस चल जाती है, उसने कहा ये क्यों किया, उसने कहा ये था ना, ये था ना, ये था ना, वो जिद हो जाता है। और जिद में बात बदलने से क्या होता है, शिक्षा तो हमारी वहां ही रही और ही हमारे जिद में बात बदल गई, उड़ गई बात, शिक्षा तो उड़ ही गई। उसको बदलना है
लेकिन थोड़ा उसका मूड देके, थोड़ा समय दे करके शुभ भावना से बदल सकते हैं, पहली ये है। लेकिन शुभ भावना से समझो नहीं उसके संस्कार बदलते हैं, तो हमको कुछ इशारा देना तो पड़ेगा। लेकिन उसका मूड और समय देख करके, उसको प्यार से गहरत अंदर न रख के और उसी शुभ रूहानियत रूप से निस्वार्थ प्यार से उसको अगर मैं समझा सकती हूँ तो समझा सकती हूँ। बाकी शिक्षा से आजकल कोई नहीं समझ बदलता नहीं। यही हम देखें, अच्छा कोई को 2 साल हुआ है, किसको 10 साल हुआ है, किसको 20 साल हुए हैं। बाबा की मूल्यां तो रोज चलती है ना, कोई एक दिन मिस है क्या? और हर मुरली में हर शिक्षा होती है। कोई भी आप मुरली की यही कमाल है जो समझो आज मेरे से कोई गलती हो गई है, बाबा को तो पता नहीं है आज इस बच्ची से ये गलती हुई है, लेकिन आप वो मुरली सुनेंगी या मुरली हाथ में कोई भी उठाएंगी ना, मुरली में ये जादू है, आपको उस दिन उस गलती की पॉइंट मिलेंगी जरूर। ये मुरली की कमाल है। जो भी आपने मन में सोचा होगा ना, या कुछ आपको मदद चाहिए बाबा की, या मन आपका परेशान है, या कुछ मन में चल रहा है, आपको उसकी बाबा डेफिनेशन उस मुरली में होंगी जरूर। आप कोई भी पुरानी मुरली ले लो। हम लोग तो जब यहां से गए ना मधुबन से, मधुबन में इतना रह के बाबा मामा के साथ और अलग होना हमारे लिए तो मृत्यु के समान था जैसे, परंतु हम यही करते थे। कभी भी कोई बात आती थी ना, बस मुरली लेके पढ़ते थे, जवाब मिल जाता, प्रश्न का उत्तर मिल जाता। ये मुरली में है, कोई फायदा उठाने चाहे ना मुरली से तो बहुत फायदा हो सकता है। वही बात की आपको दवाई जैसे मिल जाएंगी, तैयार दवाई, तैयार भी नहीं करनी पड़ेगी, बनी बनाई दवाई मिलेगी आप। इसीलिए जब बाबा इतनी शिक्षाएं दे रहा है, अगर उससे कोई नहीं बदला तो आपके शिक्षा से उस समय कैसे बदलेगा जब वो संस्कार के वश है। इसलिए उसको परखना चाहिए, निर्णय शक्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए। उसमें अभी सुनने की ताकत भी है। आप कितना भी बढ़िया इंजेक्शन उसको लगा दो, लेकिन वो है ही कमजोर, तो इंजेक्शन नुकसान करेगा ताकत का या फायदा करेगा? तो ये निर्णय शक्ति भी हमको चाहिए, परखने की शक्ति भी हमारे में चाहिए। और कल हम मेज में बैठे थे खाना खाने के बाद, तो एक बात निकली, तो आजकल हमने भी देखा सुना है, तो आजकल जो स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं ना, उनको भी परखने की शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत संस्कार वाले आते हैं हमारे पास। हमको याद है जब हम शुरू शुरू में गए ना, तो बोर्ड तो हमारा ब्रह्मा कुमारियों का है, कुमार तो है नहीं उसमें ब्रह्मा। वो कई लोग ऐसे ख्याल से आते थे, कुमारियों के ख्याल से, भैया कुमारियां है। हम लोग तो अपने ज्ञान और योग के मस्ती में रहते थे। तो हमने देखा, हमको परखने की शक्ति, क्यों अनुभव ही नहीं था ना सेवा का, परखने की शक्ति तो पीछे पीछे बढ़ती गई।
लेकिन बाबा की मदद इतनी होती थी, हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, घंटा वो सुन रहा है, हमारे को किस भाव से देख रहा है ये हमको पता नहीं, लेकिन अंत में वो खुद अपना वर्णन करते थे, बहन जी मैं किस ख्याल से आया था, यहां तो और कुछ निकला, मुझे माफ कर दे। तो यानी या तो अपने में परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, या तो इतना बाबा से कनेक्शन हो जो हमको उसी समय बाबा बचा देवे, नहीं तो कोर्स तो हम अलग अलग कराते हैं, कोई दो चार थोड़ी होते, और हम लोगों को कोई संसार का अनुभव नहीं था, लेकिन बाबा की मदद थी। या तो इतना हमारा कनेक्शन ठीक होना चाहिए बाबा से जो हमको बचा देवे, या तो हमको परखने की शक्ति होनी चाहिए। तो यहां वहां के समाचार से दादी कह रही थी ये परखने की शक्ति कम होने के कारण भी कई गलतियां हो जाती। शक्तियां जरूरी है हमको, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना बहुत जरूरी। और कई बार हमने सुना है, ये तो हमने पहले भी सुना है, कई कहते हम तो ठीक रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो रहने वाले हैं ना वो बहुत हमको तंग करते हैं। क्यों कहते हैं मैं दुखी दुख नहीं देती, मैं तो सभी को सेल्यूशन देती, खुश रखती, क्या है ठीक है ठीक है प्यार से, लेकिन वो पता नहीं मेरे से नाराज ही रहते, ठीक राजी होते ही नहीं है, नाराजी नाराज, छोटी मोटी बात में नाराजी नाराज, दुख देते हैं हम नहीं देते। और बाबा ने एक बारी बहुत हंसी में कहा था, हर एक के पास एक एक पूरा कड़ा हिसाब चुकतू करने वाला एक पीछे जरूर होता है, होता है, वही आपके विघ्न बनेगा, होता है ऐसे, कई बार ऐसे होते कहते यही एक है बस, ये एक थोड़ा ठीक हो जाए ना, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है भाई, तो कहां हिसाब चुकतु करेंगे, सेंटर का जिज्ञासु बन के आएगा या सेंटर का साथी बन के आएगा, और कहां हिसाब चुकतु करने आएगा, पेपर हाल तो हमारा सेंटर ही है और कोई है ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा था चलो वो दुख देता है, लेने वाला कौन, लेने वाली मैं हूं ना, देने वाला ही लेता है क्या, लेता है, देने वाले ने दिया, लिया किसने, मैंने लिया ना तो मैं लेती क्यों हूं, फील करना माना लेना, तो खराब चीज है मैं समझ रही हूं। एक बारी मामा के पास कोई गया था, मामा ये मेरे को बहुत वो इंसल्ट करते हैं, मेरे से बहुत वो ईर्ष्या करते हैं। तो मामा ने कहा अच्छा ये ईर्ष्या तो रंग है, करना तो नहीं चाहिए इसको। मामा कभी भी पहले मिक्स करती थी, हाँ होना नहीं चाहिए, वो तुमको इतना करती है, समझाना चाहिए उसको, ऐसे मिक्स हो जाएंगी। फिर मामा कहती थी अच्छा उसने तो किया लेकिन तुमको फील हुआ, हाँ मामा फील हुआ तभी तो आई हूँ बताने। तो मामा कहती थी बाबा के मुरली में कभी आया है क्या, तो ये समझो आपको इंसल्ट की वो तो रंग है, लेकिन आपने फील किया ये राइट है, ये कोई मुरली में आया है, आया है कोई मुरली में, उसने क्रोध किया और मैंने फील किया, तो उसका क्रोध रंग है और मेरा फील करना राइट है,
है राइट, राइट है। तो फील वो कितना भी कहे लेकिन मैं फील नहीं करूं तो बस झगड़ा खत्म हो गया ना, हो जाएगा ना। समझो उसने दुख दिया, उसने गाली दी, मैंने फील नहीं किया, आखिर वो भी तो गाली दे दे के थकेंगी या नहीं, देने वाला भी तो थकेगा आखिर। तो मैंने लिया नहीं, वो भी सीख गई, हम भी सीख गए, सेफ हो गए, और क्या हुआ। सुख में संसार बनाना है, दुख देने वाले का दुख लो नहीं आप। और वो भी अगर मानो कोई किसको चीज एक बारी देता है फिर भी ट्रायल करता है, 10 बारी देता है और वो नहीं लेवे, आखिर क्या करेगा, छोड़ देगा या क्या करेगा, छोड़ देगा ना। तो वो भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई, मैं भी बच गई लेने से, वो देने से बच गया, और क्या हुआ, सुख में संसार हो गया। तो हम दूसरे को दोष देते हैं, ये करते हैं, नहीं मैं, मैंने जो फील किया, मुझे जो किनारा करना चाहिए, मुझे जो फीलिंग नहीं अंदर करनी चाहिए, वो अपने को चेक नहीं करते, दूसरे का जल्दी चेक करते। एक बारी बाबा ने कहा था, बच्चों की आजकल दूर की नजर बहुत तेज हो गई है और नजदीक की नजर बहुत कमजोर हो गई है। तो नजदीकी नजर से अपने को देखना है और दूर की नजर से दूसरे को देखते हैं। तो दूसरों की दूर की नजर हो गई है तेज और नजदीक की नजर हो गई है थोड़ी ढीली, तो रिजल्ट उससे क्या होता है, फीलिंग की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती और फीलिंग से खुद ही परेशान होते हैं, खुद ही टाइम वेस्ट होता है। फीलिंग जरी भी किसी भी बात की आपको आ गई ना, वेस्ट थॉट्स आपके, क्यों बस क्यों आएगा, क्यों शुरू हो गई। वेस्ट थॉट्स का गेट है क्यों, क्या, कैसे, ये गेट है। इस गेट को बंद कर दो, बाबा ने कहा, वाय नहीं को फ्लाई करो, वाय नहीं। और दूसरे अभी मुरली में कहा, वाह वाह करो, वाय नहीं करो। बाबा के ये स्लोगन कितने अच्छे हैं, वाह वाह करो तो वाय खत्म, वाय खत्म तो फ्लाई हो जाएंगे। हमको फ्लाई करना है, वाय नहीं करना है, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्टेज पर खड़े होके देखे तो क्यों का क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। ऐसे हम लोगों को टोटल स्वमान और स्वपरिवर्तन, ये दो लक्ष्य हमेशा पक्का रखे तो कोई माया नहीं आ सकती। स्वमान ऐसी चीज है जो देह अभिमान नाम निशान नहीं रह सकते। एक है देह भान, वो तो बॉडी कॉन्शियस में देह के भान में आ जाते हैं, भाई आत्मा के बजाय शरीर निश्चय में आ जाते, वो हुआ देह भान। दूसरा है देह अवमान, देह के अवमान, समझो मैं जो मेरे में विशेषता है उसके अवमान में आके मैं काम करती हूं। और तीसरा है देह का लगाव, चाहे वस्तु में चाहे व्यक्ति में। तीन प्रकार से देह अवमान है, देह भान, देह अवमान और देह के लगाव। इन तीनों से हमको मुक्त होना है। देह भान में तो कामन रीति से आ जाते हैं, समझो आत्मा हूं वो मर्ज हो जाता है, देह शरीर के भान इमर्ज हो जाता है। इसलिए क्या याद रखेंगे, स्वमान और स्वपरिवर्तन। अरे आया, बीच में रास्ते में चलते हैं, कोई रुकावट आई
थोड़ा रोड़ा आ गया, थोड़ा पत्थर आ गया, थोड़ा ये आ गया, और किनारे करके चलते चले बस। पत्थर थोड़ी हटेगा, रोड़ा थोड़ी हटेगा, मुझे रोड़े से किनारा करना पड़ेगा। कोई भी बात आई बस ऊपर फ्लाई, सब नीचे हो जाएंगे, हम फ्लाई में उड़ते रहे। इसको बाबा कहते हैं उड़ती कला सर्व का भला। तो इस धारणा से, बाबा की मीठी मीठी बातों से, हम निमित है ना, निमित के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है भाई। निमित वाले को फल भी बहुत मिलता है, एक का सोना फल भी मिलता है, और निमित वाला अगर कोई गलती करता है तो फिर उसका वो भी तो दूसरा भी तो कुछ बनेगा ना, क्योंकि सामने तो हम लोगों को देखते हैं ना, निमित वालों को। वो तो यही नहीं बने हैं तो हम क्या बनेंगे, बेचारे दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए खुद भी दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश, दिल शिकस्त नहीं। क्यों? दिल शिकस्त वो होता है जो बाबा से कंबाइंड नहीं रहता। मैं भले कमजोर हूं लेकिन मेरा बाबा तो सर्वशक्तिवान है, दिल शिकस्त क्यों हूं मैं? साथी तो मेरा बड़ा बहादुर है, सर्वशक्तिवान है, मैं क्यों कमजोरी अपनी के कारण से नीचे क्यों गिरूं? बाबा उठाने वाला मेरे साथ है, कंबाइंड है, वो थोड़ी मेरे को साथ नहीं देगा। तो कंबाइंड रूप से दिल शिकस्ती दूर हो जाएंगी। बाबा बैठे हैं, बाबा बैठे, और ये अभ्यास जरूर करो। कोई भी बात आवे ना, बस बाबा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बाबा आपको दे दिया, बस खत्म। जैसे कोई मनुष्य आत्मा को हम सुनाए ना, वैसे बाबा को जिगरी सुनाए, जिगरी बाबा को बोझ दे दे अपना। बोझ अपने ऊपर रखते हैं इसलिए भारी होते उड़ते नहीं। बाबा ये हुआ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ भी होगा मम्मी ये हो गया, बस कह दिया और फिर खेलता रहेगा। बाबा से बहुत जिगरी होना चाहिए हर कदम में, बाबा 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 कहते मुझे यूज करो ना, क्यों नहीं यूज करते हो? मैं कहता हूं ना, मैं आया हूं तुम्हारे लिए, यूज करो ना, यूज नहीं करते। कोई भी बात हो ना, बाबा के आगे जाके वर्णन कर लो, बस खत्म हो जाता है। करके देखो दिल से, ये नहीं एक कविता माफक बोल दो, बाबा आप ये हो, बाबा आप ये नहीं, दिल से, दिल बोले बाबा से। दिल आराम है ना, दिल का आवाज सुनता है, वैसे मुख का आवाज नहीं सुनता है। फ्री हमको आज कोई ने सुनाया, हमारा एक गीत बना हुआ है फ्री और फ्लाई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, फ्री होंगे तभी फ्लाई होंगी, नहीं तो होंगी भी। अच्छा ओम शांति, टाइम हो गए।